सत श्री अकाल प्यारे साथियों, स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मास्टर कैडेट ते ETT का जो रिक्रूटमेंट प्रोसैस चल रहा, उहदे नाल एक बिल्कुल नवी अपडेट आई है जिहदे बारे मैं अज वीडियो लैके आया। तो इहदे बारे दसना बहुत जरूरी सी, इसलिए मैं वीडियो बनाया ताकि तुहानू समय रहिंदे हैल्प हो सके। तो की है, एक लैटर जारी होया अज, उहदे बारे तुहानू अज दसांगा। ये तुसी देख सकते हो, इत्थे 19 फरवरी का अपडेट आई है, अज की ही अपडेट है। सो इनू डाउनलोड करते हैं, तो ये लैटर ओपन हो रहा, देख सकते हो तुसी। 9/2/2021 दे पब्लिक नोटिस की लगातारता विच, यानी एक नोटिफिकेशन जो आया सी 9 फरवरी नू, उहदे विच सी वी जे कैटागरियां दा जो रिजल्ट पाया गया है, पुरानी कैटागरी दा मन्ना जाएगा, उहदे नाल ही एक कंटीन्यूइंग दे विच लैटर कढ़िया, यानी ये उहनू उस लैटर नू होर स्पष्ट करता है, क्योंकि उहदे विच उन्होंने जो कैटागरी चेंज करन दा फैसला वापस लै लिया सी। ये लैटर 19 फरवरी अज दा, इहदे विच लिखिया है वी 3704 मास्टर कैडेट, 3364 ETT पोस्टां दा विज्ञापन दिता गया सी, ते उम्मीदवारां तो विभाग नूं प्रति बेनतियां प्राप्त होईयां कि उन्हां वल्लों अपनी कैटागरी वख वख समें डाटा शोध कर दिते गए मौके नूं अवेल करते हुए बदली गई है। अजिहे उम्मीदवार अपनी बदली गई कैटागरी विच ही विचारे जाण लई दुआरा कर रहे हन। तो दस्या जांदा है कि वख वख समें कैटागरी विच शोध करन लई जो भी पब्लिक नोटिस जारी होए सन, वापस लैंदे हुए फैसला किया गया कि उम्मीदवार जिस कैटागरी विच फीस भरी गई सी, चलान फार्म विच कन्फर्म हुई सी, उही अंतम कैटागरी मनी जाएगी। यानी जो तुहाडे चलान फॉर्म की कापी लगी है तुहाडी स्क्रूटनी फाइल से, उत्थों फाइलां कढ के वेरीफाई कर रहे ने, ते उहदे हिसाब दे नाल ही तुहाडी जो कैटागरी है उहनू मन्नणगी। ते दो तीन बार डाटा अपडेट कर लई उन्होंने कहा सी, ते जिन्हां ने कैटागरी जनरल एससी कर ली जां एक्स सर्विसमैन बाद चेंज हुई, तो वह कैटागरी करना कोई फायदा नहीं, चाहे वह स्क्रूटनी करा भी आए हैं, तो इस दे अनुसार वो सीधे सीधे बाहर होंगे प्रोसैस तो, क्योंकि जो लैटर यही दसता है कि जो पिछलिया कैटागरिया जो फीस दे चलान जो चलान प्रिंट आउट होंगे, उसे हमारी कैटागरी लिखी जाती है, तो कैटागरी के हिसाब ना ही फीस आती, तो उ चलान जी फीस जमा करवाई सी फरवरी महीने में, जो फीस जमा हुई सी जुलाई तक भी फीस जमा कराते रहे, तो उही जो फीस का जो चलान है उही मन्या जाएगा। तो कैटागरी के जिन्हें भी चेंज करन दे जो ऑर्डर सी वो वापस हो गए ने, तो हुण दुआरे लिस्ट पैण दे पूरे चांस ने, फिर दुआरे लिस्ट पएगी, तो मे भी हो सकता है स्क्रूटनी दुआरे होवे जिन्हां दी कैटागरी नहीं मैच करती, तो उस दे हिसाब दे नाल ही जिन्हां दी स्क्रूटनी फिट बैठती होएगी उन्हां नूं ही अपर रख्या जाएगा, तो बाकी कैंडीडेट जिन्हां दी कैटागरी चेंज हुई है तो लिस्ट के उपर आते हैं, तो उन्होंने थले कर दिता जाएगा जो बाहर कर दिता जाएगा। तो ये होर भी चांस बन जाते हैं साथियों कि जो प्रोविजनल लिस्ट के नीचे ने, जो स्क्रूटनी लिस्ट के थले कैंडीडेट ने उपर आ सकते हैं, तो नवी लिस्ट भी आ सकती है। तो हुण देखो की हुंदा, ये नोटिफिकेशन अज का जारी होया, नाल ही जो स्टेशन अलॉटमेंट का प्रोसैस सेंटर हैड टीचर का चल पिया है, हुण उन्हां दी स्टेशन अलॉटमेंट के बाद साडा अगला प्रोसैस हुंदा है जां इनू शोध के पाते हैं फिर चलता है, तो ये देखना इतने बनता है। मे भी हूँ शोध के एक लिस्ट पाएंगे जिस रिजल्ट शोध के पाया जाएगा, तो पुरानी कैटागरी के हिसाब से रिजल्ट पाएंगे, तो नाल ही दुबारे प्रोविजनल लिस्ट पेगी जिद सिलेक्टेड कैंडीडेट आएंगे, तो जिन्हों के कोई ऑब्जेक्शन लगी हो विदहेल्ड या रिजैक्टड हो गए। तो चैनल के नाल बने रहो, जिमें ही कोई नवी अपडेट मिलती है तुहानू सब तो पहले चैनल पर मिलेगी, तो सही अपडेट लैके तुहाडे लई मैं हाजिर होवांगा। कोई तुहानू झूठा दिलासा या कोई व्यूज़ वास्ते उदा दी वीडियो बनाना मेरा कोई मंतव नहीं है। तो चैनल दे नाल बने रहो साथियों, बेस्ट ऑफ लक फॉर फरदर प्रोसैस।